स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। क्योंकि दोस्तों यह फिल्म अभी कुछ कमाई कर रही है बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे, तो जब तक दोस्तों यह फिल्म कमाई करती रहेगी तब तक YouTube यह परमिशन नहीं देगा कि इसको फ्री में अपलोड किया जा सके। लेकिन दोस्तों अगर आने वाले वक्त में YouTube पे परमिशन मिलती है इसको फ्री में अपलोड करने की, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि यह फिल्म मैं आपके लिए फ्री में अपलोड कर सकूँ। इसीलिए दोस्तों इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वक्त में इस फिल्म से जुड़ी हुई जो भी जानकारी है वह आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल सके। दोस्तों अभी तो मैं आपको रक्षा फिल्म फ्री में नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन इनसे जुड़ी हुई सारी कहानियाँ और किरदार मैं ज़रूर अभी आपको बताऊँगा, जिससे दोस्तों आपको इस फिल्म के बारे में याद ताज़ा हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों रक्षा फिल्म 1982 में आई एक बॉलीवुड की बहुत ही बेहतरीन स्पाई फिल्म है और इसका जो दोस्तों प्रोड्यूसर है वह पी मल्लिकार्जुन राव है। और अगर दोस्तों बात करें इसमें डायरेक्शन की, तो रवि कांत ने इसका डायरेक्शन किया है और इसमें जो मुख्य कलाकार के तौर पे काम किया है वह जितेंद्र और परवीन बॉबी ने किया है। इसमें दोस्तों अगर म्यूज़िक कंपोज़र की बात की जाए तो RD बर्मन साहब ने इसके म्यूज़िक दिए हैं। और यह फिल्म दोस्तों एक रीमेक फिल्म है तेलुगु का जो 1981 में आई थी।
स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। क्योंकि दोस्तों यह फिल्म अभी कुछ कमाई कर रही है बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे, तो जब तक दोस्तों यह फिल्म कमाई करती रहेगी तब तक YouTube यह परमिशन नहीं देगा कि इसको फ्री में अपलोड किया जा सके। लेकिन दोस्तों अगर आने वाले वक्त में YouTube पे परमिशन मिलती है इसको फ्री में अपलोड करने की, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि यह फिल्म मैं आपके लिए फ्री में अपलोड कर सकूँ। इसीलिए दोस्तों इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वक्त में इस फिल्म से जुड़ी हुई जो भी जानकारी है वह आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल सके। दोस्तों अभी तो मैं आपको रक्षा फिल्म फ्री में नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन इनसे जुड़ी हुई सारी कहानियाँ और किरदार मैं ज़रूर अभी आपको बताऊँगा, जिससे दोस्तों आपको इस फिल्म के बारे में याद ताज़ा हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों रक्षा फिल्म 1982 में आई एक बॉलीवुड की बहुत ही बेहतरीन स्पाई फिल्म है और इसका जो दोस्तों प्रोड्यूसर है वह पी मल्लिकार्जुन राव है। और अगर दोस्तों बात करें इसमें डायरेक्शन की, तो रवि कांत ने इसका डायरेक्शन किया है और इसमें जो मुख्य कलाकार के तौर पे काम किया है वह जितेंद्र और परवीन बॉबी ने किया है। इसमें दोस्तों अगर म्यूज़िक कंपोज़र की बात की जाए तो आर.डी. बर्मन साहब ने इसके म्यूज़िक दिए हैं। और यह फिल्म दोस्तों एक रीमेक फिल्म है तेलुगु का जो 1981 में आई थी।
स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। क्योंकि दोस्तों यह फिल्म अभी कुछ कमाई कर रही है बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे, तो जब तक दोस्तों यह फिल्म कमाई करती रहेगी तब तक YouTube यह परमिशन नहीं देगा कि इसको फ्री में अपलोड किया जा सके। लेकिन दोस्तों अगर आने वाले वक्त में YouTube पे परमिशन मिलती है इसको फ्री में अपलोड करने की, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि यह फिल्म मैं आपके लिए फ्री में अपलोड कर सकूँ। इसीलिए दोस्तों इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वक्त में इस फिल्म से जुड़ी हुई जो भी जानकारी है वह आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल सके। दोस्तों अभी तो मैं आपको रक्षा फिल्म फ्री में नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन इनसे जुड़ी हुई सारी कहानियाँ और किरदार मैं ज़रूर अभी आपको बताऊँगा, जिससे दोस्तों आपको इस फिल्म के बारे में याद ताज़ा हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों रक्षा फिल्म 1982 में आई एक बॉलीवुड की बहुत ही बेहतरीन स्पाई फिल्म है और इसका जो दोस्तों प्रोड्यूसर है वह पी मल्लिकार्जुन राव है। और अगर दोस्तों बात करें इसमें डायरेक्शन की तो रवि कांत ने इसका डायरेक्शन किया है और इसमें जो मुख्य कलाकार के तौर पे काम किया है वह जितेंद्र और परवीन बॉबी ने किया है। इसमें दोस्तों अगर म्यूज़िक कंपोज़र की बात की जाए तो RD बर्मन साहब ने इसके म्यूज़िक दिए हैं और यह फिल्म दोस्तों एक रीमेक फिल्म है तेलुगु का जो 1981 में आई थी।
स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। क्योंकि दोस्तों यह फिल्म अभी कुछ कमाई कर रही है बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे, तो जब तक दोस्तों यह फिल्म कमाई करती रहेगी तब तक YouTube यह परमिशन नहीं देगा कि इसको फ्री में अपलोड किया जा सके। लेकिन दोस्तों अगर आने वाले वक्त में YouTube पे परमिशन मिलती है इसको फ्री में अपलोड करने की, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि यह फिल्म मैं आपके लिए फ्री में अपलोड कर सकूँ। इसीलिए दोस्तों इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वक्त में इस फिल्म से जुड़ी हुई जो भी जानकारी है वह आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल सके। दोस्तों अभी तो मैं आपको रक्षा फिल्म फ्री में नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन इनसे जुड़ी हुई सारी कहानियाँ और किरदार मैं ज़रूर अभी आपको बताऊँगा, जिससे दोस्तों आपको इस फिल्म के बारे में याद ताज़ा हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों रक्षा फिल्म 1982 में आई एक बॉलीवुड की बहुत ही बेहतरीन स्पाई फिल्म है और इसका जो दोस्तों प्रोड्यूसर है वह पी मल्लिकार्जुन राव है। और अगर दोस्तों बात करें इसमें डायरेक्शन की तो रवि कांत ने इसका डायरेक्शन किया है और इसमें जो मुख्य कलाकार के तौर पे काम किया है वह जितेंद्र और परवीन बॉबी ने किया है। इसमें दोस्तों अगर म्यूज़िक कंपोज़र की बात की जाए तो RD बर्मन साहब ने इसके म्यूज़िक दिए हैं और यह फिल्म दोस्तों एक रीमेक फिल्म है तेलुगु का जो 1981 में आई थी।
स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। क्योंकि दोस्तों यह फिल्म अभी कुछ कमाई कर रही है बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे, तो जब तक दोस्तों यह फिल्म कमाई करती रहेगी तब तक YouTube यह परमिशन नहीं देगा कि इसको फ्री में अपलोड किया जा सके। लेकिन दोस्तों अगर आने वाले वक्त में YouTube पे परमिशन मिलती है इसको फ्री में अपलोड करने की, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि यह फिल्म मैं आपके लिए फ्री में अपलोड कर सकूँ। इसीलिए दोस्तों इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वक्त में इस फिल्म से जुड़ी हुई जो भी जानकारी है वह आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल सके। दोस्तों अभी तो मैं आपको रक्षा फिल्म फ्री में नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन इनसे जुड़ी हुई सारी कहानियाँ और किरदार मैं ज़रूर अभी आपको बताऊँगा, जिससे दोस्तों आपको इस फिल्म के बारे में याद ताज़ा हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों रक्षा फिल्म 1982 में आई एक बॉलीवुड की बहुत ही बेहतरीन स्पाई फिल्म है और इसका जो दोस्तों प्रोड्यूसर है वह पी मल्लिकार्जुन राव है। और अगर दोस्तों बात करें इसमें डायरेक्शन की तो रवि कांत ने इसका डायरेक्शन किया है और इसमें जो मुख्य कलाकार के तौर पे काम किया है वह जितेंद्र और परवीन बॉबी ने किया है। इसमें दोस्तों अगर म्यूज़िक कंपोज़र की बात की जाए तो RD बर्मन साहब ने इसके म्यूज़िक दिए हैं और यह फिल्म दोस्तों एक रीमेक फिल्म है तेलुगु का जो 1981 में आई थी।
स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। क्योंकि दोस्तों यह फिल्म अभी कुछ कमाई कर रही है बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे, तो जब तक दोस्तों यह फिल्म कमाई करती रहेगी तब तक YouTube यह परमिशन नहीं देगा कि इसको फ्री में अपलोड किया जा सके। लेकिन दोस्तों अगर आने वाले वक्त में YouTube पे परमिशन मिलती है इसको फ्री में अपलोड करने की, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि यह फिल्म मैं आपके लिए फ्री में अपलोड कर सकूँ। इसीलिए दोस्तों इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वक्त में इस फिल्म से जुड़ी हुई जो भी जानकारी है वह आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल सके। दोस्तों अभी तो मैं आपको रक्षा फिल्म फ्री में नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन इनसे जुड़ी हुई सारी कहानियाँ और किरदार मैं ज़रूर अभी आपको बताऊँगा, जिससे दोस्तों आपको इस फिल्म के बारे में याद ताज़ा हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों रक्षा फिल्म 1982 में आई एक बॉलीवुड की बहुत ही बेहतरीन स्पाई फिल्म है और इसका जो दोस्तों प्रोड्यूसर है वह पी मल्लिकार्जुन राव है। और अगर दोस्तों बात करें इसमें डायरेक्शन की तो रवि कांत ने इसका डायरेक्शन किया है और इसमें जो मुख्य कलाकार के तौर पे काम किया है वह जितेंद्र और परवीन बॉबी ने किया है। इसमें दोस्तों अगर म्यूज़िक कंपोज़र की बात की जाए तो RD बर्मन साहब ने इसके म्यूज़िक दिए हैं और यह फिल्म दोस्तों एक रीमेक फिल्म है तेलुगु का जो 1981 में आई थी।
नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। क्योंकि दोस्तों यह फिल्म अभी कुछ कमाई कर रही है बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे, तो जब तक दोस्तों यह फिल्म कमाई करती रहेगी तब तक YouTube यह परमिशन नहीं देगा कि इसको फ्री में अपलोड किया जा सके। लेकिन दोस्तों अगर आने वाले वक्त में YouTube पे परमिशन मिलती है इसको फ्री में अपलोड करने की, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि यह फिल्म मैं आपके लिए फ्री में अपलोड कर सकूँ। इसीलिए दोस्तों इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वक्त में इस फिल्म से जुड़ी हुई जो भी जानकारी है वह आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल सके। दोस्तों अभी तो मैं आपको रक्षा फिल्म फ्री में नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन इनसे जुड़ी हुई सारी कहानियाँ और किरदार मैं ज़रूर अभी आपको बताऊँगा, जिससे दोस्तों आपको इस फिल्म के बारे में याद ताज़ा हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों रक्षा फिल्म 1982 में आई एक बॉलीवुड की बहुत ही बेहतरीन स्पाई फिल्म है और इसका जो दोस्तों प्रोड्यूसर है वह पी मल्लिकार्जुन राव है। और अगर दोस्तों बात करें इसमें डायरेक्शन की तो रवि कांत ने इसका डायरेक्शन किया है और इसमें जो मुख्य कलाकार के तौर पे काम किया है वह जितेंद्र और परवीन बॉबी ने किया है। इसमें दोस्तों अगर म्यूज़िक कंपोज़र की बात की जाए तो RD बर्मन साहब ने इसके म्यूज़िक दिए हैं और यह फिल्म दोस्तों एक रीमेक फिल्म है तेलुगु का जो 1981 में आई थी।
स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। क्योंकि दोस्तों यह फिल्म अभी कुछ कमाई कर रही है बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे, तो जब तक दोस्तों यह फिल्म कमाई करती रहेगी तब तक YouTube यह परमिशन नहीं देगा कि इसको फ्री में अपलोड किया जा सके। लेकिन दोस्तों अगर आने वाले वक्त में YouTube पे परमिशन मिलती है इसको फ्री में अपलोड करने की, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि यह फिल्में आपके लिए फ्री में अपलोड कर सकूँ। इसीलिए दोस्तों इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वक्त में इस फिल्म से जुड़ी हुई जो भी जानकारी है वह आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल सके। दोस्तों अभी तो मैं आपको रक्षा फिल्म फ्री में नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन इनसे जुड़ी हुई सारी कहानियाँ और किरदार मैं ज़रूर अभी आपको बताऊँगा, जिससे दोस्तों आपको इस फिल्म के बारे में याद ताज़ा हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों रक्षा फिल्म 1982 में आई एक बॉलीवुड की बहुत ही बेहतरीन स्पाई फिल्म है और इसका जो दोस्तों प्रोड्यूसर है वह पी मल्लिकार्जुन राव है। और अगर दोस्तों बात करें इसमें डायरेक्शन की तो रवि कांत ने इसका डायरेक्शन किया है और इसमें जो मुख्य कलाकार के तौर पे काम किया है वह जितेंद्र और परवीन बॉबी ने किया है। इसमें दोस्तों अगर म्यूज़िक कंपोज़र की बात की जाए तो RD बर्मन साहब ने इसके म्यूज़िक दिए हैं और यह फिल्म दोस्तों एक रीमेक फिल्म है तेलुगु का जो 1981 में आई थी।
स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। क्योंकि दोस्तों यह फिल्म अभी कुछ कमाई कर रही है बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे, तो जब तक दोस्तों यह फिल्म कमाई करती रहेगी तब तक YouTube यह परमिशन नहीं देगा कि इसको फ्री में अपलोड किया जा सके। लेकिन दोस्तों अगर आने वाले वक्त में YouTube पे परमिशन मिलती है इसको फ्री में अपलोड करने की, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि यह फिल्में आपके लिए फ्री में अपलोड कर सकूँ। इसीलिए दोस्तों इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वक्त में इस फिल्म से जुड़ी हुई जो भी जानकारी है वह आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल सके। दोस्तों अभी तो मैं आपको रक्षा फिल्म फ्री में नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन इनसे जुड़ी हुई सारी कहानियाँ और किरदार मैं ज़रूर अभी आपको बताऊँगा, जिससे दोस्तों आपको इस फिल्म के बारे में याद ताज़ा हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों रक्षा फिल्म 1982 में आई एक बॉलीवुड की बहुत ही बेहतरीन स्पाई फिल्म है और इसका जो दोस्तों प्रोड्यूसर है वह पी मल्लिकार्जुन राव है। और अगर दोस्तों बात करें इसमें डायरेक्शन की तो रवि कांत ने इसका डायरेक्शन किया है और इसमें जो मुख्य कलाकार के तौर पे काम किया है वह जितेंद्र और प्रवीण बॉबी ने किया है। इसमें दोस्तों अगर म्यूज़िक कंपोज़र की बात की जाए तो RD बर्मन साहब ने इसके म्यूज़िक दिए हैं और यह फिल्म दोस्तों एक रीमेक फिल्म है तेलुगु का जो 1981 में आई थी।
नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। क्योंकि दोस्तों यह फिल्म अभी कुछ कमाई कर रही है बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे, तो जब तक दोस्तों यह फिल्म कमाई करती रहेगी तब तक YouTube यह परमिशन नहीं देगा कि इसको फ्री में अपलोड किया जा सके। लेकिन दोस्तों अगर आने वाले वक्त में YouTube पे परमिशन मिलती है इसको फ्री में अपलोड करने की, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि यह फिल्म मैं आपके लिए फ्री में अपलोड कर सकूँ। इसीलिए दोस्तों इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वक्त में इस फिल्म से जुड़ी हुई जो भी जानकारी है वह आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल सके। दोस्तों अभी तो मैं आपको रक्षा फिल्म फ्री में नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन इनसे जुड़ी हुई सारी कहानियां और किरदार मैं ज़रूर अभी आपको बताऊंगा, जिससे दोस्तों आपको इस फिल्म के बारे में याद ताज़ा हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों रक्षा फिल्म 1982 में आई एक बॉलीवुड की बहुत ही बेहतरीन स्पाई फिल्म है और इसका जो दोस्तों प्रोड्यूसर है वह पी मल्लिकार्जुन राव है। और अगर दोस्तों बात करें इसमें डायरेक्शन की, तो रवि कांत ने इसका डायरेक्शन किया है और इसमें जो मुख्य कलाकार के तौर पे काम किया है वह जितेंद्र और प्रवीण बॉबी ने किया है। इसमें दोस्तों अगर म्यूज़िक कंपोज़र की बात की जाए तो RD बर्मन साहब ने इसके म्यूज़िक दिए हैं। और यह फिल्म दोस्तों एक रीमेक फिल्म है तेलुगु का जो 1981 में आई थी।
स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। क्योंकि दोस्तों यह फिल्म अभी कुछ कमाई कर रही है बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे, तो जब तक दोस्तों यह फिल्म कमाई करती रहेगी तब तक YouTube यह परमिशन नहीं देगा कि इसको फ्री में अपलोड किया जा सके। लेकिन दोस्तों अगर आने वाले वक्त में YouTube पे परमिशन मिलती है इसको फ्री में अपलोड करने की, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि यह फिल्म मैं आपके लिए फ्री में अपलोड कर सकूँ। इसीलिए दोस्तों इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वक्त में इस फिल्म से जुड़ी हुई जो भी जानकारी है वह आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल सके। दोस्तों अभी तो मैं आपको रक्षा फिल्म फ्री में नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन इनसे जुड़ी हुई सारी कहानियाँ और किरदार मैं ज़रूर अभी आपको बताऊँगा, जिससे दोस्तों आपको इस फिल्म के बारे में याद ताज़ा हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों रक्षा फिल्म 1982 में आई एक बॉलीवुड की बहुत ही बेहतरीन स्पाई फिल्म है और इसका जो दोस्तों प्रोड्यूसर है वह पी मल्लिकार्जुन राव है। और अगर दोस्तों बात करें इसमें डायरेक्शन की, तो रवि कांत ने इसका डायरेक्शन किया है और इसमें जो मुख्य कलाकार के तौर पे काम किया है वह जितेंद्र और प्रवीण बॉबी ने किया है। इसमें दोस्तों अगर म्यूज़िक कंपोज़र की बात की जाए तो R.D. बर्मन साहब ने इसके म्यूज़िक दिए हैं। और यह फिल्म दोस्तों एक रीमेक फिल्म है तेलुगु का जो 1981 में आई थी।
स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। क्योंकि दोस्तों यह फिल्म अभी कुछ कमाई कर रही है बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे, तो जब तक दोस्तों यह फिल्म कमाई करती रहेगी तब तक YouTube यह परमिशन नहीं देगा कि इसको फ्री में अपलोड किया जा सके। लेकिन दोस्तों अगर आने वाले वक्त में YouTube पे परमिशन मिलती है इसको फ्री में अपलोड करने की, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि यह फिल्म मैं आपके लिए फ्री में अपलोड कर सकूँ। इसीलिए दोस्तों इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वक्त में इस फिल्म से जुड़ी हुई जो भी जानकारी है वह आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल सके। दोस्तों अभी तो मैं आपको रक्षा फिल्म फ्री में नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन इनसे जुड़ी हुई सारी कहानियां और किरदार मैं ज़रूर अभी आपको बताऊंगा, जिससे दोस्तों आपको इस फिल्म के बारे में याद ताज़ा हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों रक्षा फिल्म 1982 में आई एक बॉलीवुड की बहुत ही बेहतरीन स्पाई फिल्म है और इसका जो दोस्तों प्रोड्यूसर है वह पी मल्लिकार्जुन राव है। और अगर दोस्तों बात करें इसमें डायरेक्शन की, तो रवि कांत ने इसका डायरेक्शन किया है और इसमें जो मुख्य कलाकार के तौर पे काम किया है वह जितेंद्र और परवीन बॉबी ने किया है। इसमें दोस्तों अगर म्यूज़िक कंपोज़र की बात की जाए तो R.D. बर्मन साहब ने इसके म्यूज़िक दिए हैं और यह फिल्म दोस्तों एक रीमेक फिल्म है तेलुगु का जो 1981 में आई थी।
स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। क्योंकि दोस्तों यह फिल्म अभी कुछ कमाई कर रही है बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे, तो जब तक दोस्तों यह फिल्म कमाई करती रहेगी तब तक YouTube यह परमिशन नहीं देगा कि इसको फ्री में अपलोड किया जा सके। लेकिन दोस्तों अगर आने वाले वक्त में YouTube पे परमिशन मिलती है इसको फ्री में अपलोड करने की, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि यह फिल्म मैं आपके लिए फ्री में अपलोड कर सकूँ। इसीलिए दोस्तों इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वक्त में इस फिल्म से जुड़ी हुई जो भी जानकारी है वह आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल सके। दोस्तों अभी तो मैं आपको रक्षा फिल्म फ्री में नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन इनसे जुड़ी हुई सारी कहानियां और किरदार मैं ज़रूर अभी आपको बताऊंगा, जिससे दोस्तों आपको इस फिल्म के बारे में याद ताज़ा हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों रक्षा फिल्म 1982 में आई एक बॉलीवुड की बहुत ही बेहतरीन स्पाई फिल्म है और इसका जो दोस्तों प्रोड्यूसर है वह पी मल्लिकार्जुन राव है। और अगर दोस्तों बात करें इसमें डायरेक्शन की तो रवि कांत ने इसका डायरेक्शन किया है और इसमें जो मुख्य कलाकार के तौर पे काम किया है वह जितेंद्र और परवीन बॉबी ने किया है। इसमें दोस्तों अगर म्यूज़िक कंपोज़र की बात की जाए तो RD बर्मन साहब ने इसके म्यूज़िक दिए हैं और यह फिल्म दोस्तों एक रीमेक फिल्म है तेलुगु का जो 1981 में आई थी।
नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। क्योंकि दोस्तों यह फिल्म अभी कुछ कमाई कर रही है बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे, तो जब तक दोस्तों यह फिल्म कमाई करती रहेगी तब तक YouTube यह परमिशन नहीं देगा कि इसको फ्री में अपलोड किया जा सके। लेकिन दोस्तों अगर आने वाले वक्त में YouTube पे परमिशन मिलती है इसको फ्री में अपलोड करने की, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि यह फिल्म मैं आपके लिए फ्री में अपलोड कर सकूँ। इसीलिए दोस्तों इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वक्त में इस फिल्म से जुड़ी हुई जो भी जानकारी है वह आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल सके। दोस्तों अभी तो मैं आपको रक्षा फिल्म फ्री में नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन इनसे जुड़ी हुई सारी कहानियाँ और किरदार मैं ज़रूर अभी आपको बताऊँगा, जिससे दोस्तों आपको इस फिल्म के बारे में याद ताज़ा हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों रक्षा फिल्म 1982 में आई एक बॉलीवुड की बहुत ही बेहतरीन स्पाई फिल्म है और इसका जो दोस्तों प्रोड्यूसर है वह पी मल्लिकार्जुन राव है। और अगर दोस्तों बात करें इसमें डायरेक्शन की, तो रवि कांत ने इसका डायरेक्शन किया है और इसमें जो मुख्य कलाकार के तौर पे काम किया है वह जितेंद्र और परवीन बॉबी ने किया है। इसमें दोस्तों अगर म्यूज़िक कंपोज़र की बात की जाए तो RD बर्मन साहब ने इसके म्यूज़िक दिए हैं। और यह फिल्म दोस्तों एक रीमेक फिल्म है तेलुगु का जो 1981 में आई थी।
स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। क्योंकि दोस्तों यह फिल्म अभी कुछ कमाई कर रही है बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे, तो जब तक दोस्तों यह फिल्म कमाई करती रहेगी तब तक YouTube यह परमिशन नहीं देगा कि इसको फ्री में अपलोड किया जा सके। लेकिन दोस्तों अगर आने वाले वक्त में YouTube पे परमिशन मिलती है इसको फ्री में अपलोड करने की, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि यह फिल्म मैं आपके लिए फ्री में अपलोड कर सकूँ। इसीलिए दोस्तों इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वक्त में इस फिल्म से जुड़ी हुई जो भी जानकारी है वह आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल सके। दोस्तों अभी तो मैं आपको रक्षा फिल्म फ्री में नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन इनसे जुड़ी हुई सारी कहानियाँ और किरदार मैं ज़रूर अभी आपको बताऊँगा, जिससे दोस्तों आपको इस फिल्म के बारे में याद ताज़ा हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों रक्षा फिल्म 1982 में आई एक बॉलीवुड की बहुत ही बेहतरीन स्पाई फिल्म है और इसका जो दोस्तों प्रोड्यूसर है वह पी मल्लिकार्जुन राव है। और अगर दोस्तों बात करें इसमें डायरेक्शन की तो रवि कांत ने इसका डायरेक्शन किया है और इसमें जो मुख्य कलाकार के तौर पे काम किया है वह जितेंद्र और परवीन बॉबी ने किया है। इसमें दोस्तों अगर म्यूज़िक कंपोज़र की बात की जाए तो RD बर्मन साहब ने इसके म्यूज़िक दिए हैं और यह फिल्म दोस्तों एक रीमेक फिल्म है तेलुगु का जो 1981 में आई थी।
स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। क्योंकि दोस्तों यह फिल्म अभी कुछ कमाई कर रही है बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे, तो जब तक दोस्तों यह फिल्म कमाई करती रहेगी तब तक YouTube यह परमिशन नहीं देगा कि इसको फ्री में अपलोड किया जा सके। लेकिन दोस्तों अगर आने वाले वक्त में YouTube पे परमिशन मिलती है इसको फ्री में अपलोड करने की, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि यह फिल्म मैं आपके लिए फ्री में अपलोड कर सकूँ। इसीलिए दोस्तों इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वक्त में इस फिल्म से जुड़ी हुई जो भी जानकारी है वह आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल सके। दोस्तों अभी तो मैं आपको रक्षा फिल्म फ्री में नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन इनसे जुड़ी हुई सारी कहानियां और किरदार मैं ज़रूर अभी आपको बताऊंगा, जिससे दोस्तों आपको इस फिल्म के बारे में याद ताज़ा हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों रक्षा फिल्म 1982 में आई एक बॉलीवुड की बहुत ही बेहतरीन स्पाई फिल्म है और इसका जो दोस्तों प्रोड्यूसर है वह पी मल्लिकार्जुन राव है। और अगर दोस्तों बात करें इसमें डायरेक्शन की, तो रवि कांत ने इसका डायरेक्शन किया है और इसमें जो मुख्य कलाकार के तौर पे काम किया है वह जितेंद्र और परवीन बॉबी ने किया है। इसमें दोस्तों अगर म्यूज़िक कंपोज़र की बात की जाए तो RD बर्मन साहब ने इसके म्यूज़िक दिए हैं। और यह फिल्म दोस्तों एक रीमेक फिल्म है तेलुगु का जो 1981 में आई थी।
नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। क्योंकि दोस्तों यह फिल्म अभी कुछ कमाई कर रही है बाकी अलग प्लेटफॉर्म्स पे, तो जब तक दोस्तों यह फिल्म कमाई करती रहेगी तब तक YouTube यह परमिशन नहीं देगा कि इसको फ्री में अपलोड किया जा सके। लेकिन दोस्तों अगर आने वाले वक्त में YouTube पे परमिशन मिलती है इसको फ्री में अपलोड करने की, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि यह फिल्में आपके लिए फ्री में अपलोड कर सकूँ। इसीलिए दोस्तों इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वक्त में इस फिल्म से जुड़ी हुई जो भी जानकारी है वह आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल सके। दोस्तों अभी तो मैं आपको रक्षा फिल्म फ्री में नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन इनसे जुड़ी हुई सारी कहानियाँ और किरदार मैं ज़रूर अभी आपको बताऊँगा, जिससे दोस्तों आपको इस फिल्म के बारे में याद ताज़ा हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों रक्षा फिल्म 1982 में आई एक बॉलीवुड की बहुत ही बेहतरीन स्पाई फिल्म है और इसका जो दोस्तों प्रोड्यूसर है वह पी मल्लिकार्जुन राव है। और अगर दोस्तों बात करें इसमें डायरेक्शन की, तो रवि कांत ने इसका डायरेक्शन किया है और इसमें जो मुख्य कलाकार के तौर पे काम किया है वह जितेंद्र और परवीन बॉबी ने किया है। इसमें दोस्तों अगर म्यूज़िक कंपोज़र की बात की जाए तो RD बर्मन साहब ने इसके म्यूज़िक दिए हैं। और यह फिल्म दोस्तों एक रीमेक फिल्म है तेलुगु का, जो 1981 में आई थी।